महेंद्र सिंह और 13 किसानों की होगी वार्ता। आज सुबह 9 बजे फिर से वार्ता की शुरुआत होगी। एसीएस देवेंद्र सिंह और 13 किसान नेताओं की आपस में बैठक होगी, वार्ता होगी। तो कहीं ना कहीं एक गतिरोध जो किसानों के बीच और अफसरों के बीच बना हुआ था उसको खात्मे को लेकर आज बैठक होनी है। हरियाणा से खबर है, करनाल में किसानों का धरना लगातार जारी है। आज सुबह 9 बजे फिर से वार्ता की शुरुआत होगी। एसीएस देवेंद्र सिंह वार्ता करने के लिए पहुंचेंगे। 13 किसान नेताओं के साथ ये वार्ता की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता लेंगे अगला फैसला। हरियाणा से खबर, करनाल में किसानों का धरना लगातार जारी, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरों के बीच जो गतिरोध बना हुआ था अफसरों के साथ बातचीत को लेकर वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज एसीएस देवेंद्र सिंह और 13 किसान नेताओं की होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी वार्ता की जाएगी चर्चा। और हरियाणा से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता बने हुए हैं। जी विनोद, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे कि आज 9 बजे एसीएस देवेंद्र सिंह की बैठक होगी 13 किसान नेताओं के साथ। कहीं ना कहीं जो तमाम बातचीत का दौर रुका हुआ था वो एक बार फिर से शुरू हो रहा है, क्या उम्मीद है कि इस बैठक से कुछ हल निकल कर सामने आएगा? जी बिल्कुल, 28 अगस्त को जो बसताड़ा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था उसको देखते हुए जो किसानों ने पिछले 2 से 3 दिन के बीच करनाल के लघु सचिवालय में डेरा डाला हुआ है, बल्कि डेरा क्या कह दीजिए, बिल्कुल पक्के अपने इंतजाम कर दिए गए हैं। किसान अब वहां से हटने के मूड में नहीं है। सरकार के उच्च अधिकारी लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही सरकार ने चीफ से मुख्य सचिव है उनको जांच के आदेश दिए थे, पर तो किसानों से नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों ने कहा है कि न्यायिक जांच। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बातचीत होगी। जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि धरना प्रदर्शन जो लगातार चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन आगे बढ़ता रहे, इसको लेकर किस तरह का आश्वासन पुलिस के द्वारा या अफसरों के द्वारा दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और आज शायद दोबारा 2 से 3 बजे के बीच किसानों और सरकार के अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें निर्णय अंतिम रूप जो है किसान पंचायत को खत्म करने के लिए जाएगा। किसानों को जो मांगे हैं सरकार मांग चुकी है और उनकी जांच के लिए एसीएस जो देवेंद्र सिंह है उसको निर्धारित कर दिया गया है। किसान यहाँ तक तैयार है कि किसान शायद अब इस मूड में नहीं है कि यहाँ पे पक्का धरना दे, वो हटने के मूड में है, पर बस अब कहिए कि किसान किसानों की मांगे सरकार माने। जी जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद निकलकर साफ हो पाएगा कि किस ओर आगे रणनीति बढ़ती है। जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि किसान हट भी सकते हैं इस बातचीत के बाद, तो कुछ समय का इंतजार और बचा हुआ, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। हरियाणा से खबर है, करनाल में आज 9 बजे फिर से वार्ता की शुरुआत होगी। एसीएस देवेंद्र सिंह 13 किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जिस तरह से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता ने यहाँ पर जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं किसानों का भी मन बन चुका है, मन बना चुके हैं कि यदि तमाम मांगे मान ली जाती हैं तो वो धरना प्रदर्शन खत्म कर सकते हैं, हटेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि इस वार्ता के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री